हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एंग्लो इंग्लिश स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अवर पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है यानी कि जो सॉइल हमें दिखती है वो अक्सर में कैसे फॉर्म होती है ये हम इस पॉइंट में देखने वाले तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें हमें क्या दिया है ये सॉइल है कैसे फॉर्म होती है राइट right ना तो चलो देखते हैं द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय ए नेचुरल प्रोसेस मीनस ये जो सॉइल है मृदा है माटी है मिट्टी है ये जो जमीन पर फॉर्म होती है ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है इसे कोई नहीं करता इन्वायरमेंट में ये ऑटोमेटिकली हो जाती है तो कैसे होती है ये भी तो हमें नेचुरल प्रोसेस है तो कैसी है ये तो हमें समझ में आना चाहिए राइट ना तो देखो आगे दिया द अबायोटिक कंपोनेंट ओके अबायोटिक कॉम्पोन क्या जो अजैविक घटक है कि नहीं तो ये जो अजैविक घटक है ऑफ सॉइल आर सप्लाई थ्रू विदरिंग ऑफ द बेड रॉक यानी कि जो अजैविक घटक है सॉइल में से ये क्या करते हैं सप्लाई करते वीदरिंग यानी कि जो जो अपक्षयन अपक्षयन, अपक्षयन यानी कि जो बेडरॉक है उसका अपक्षयन करने के लिए यह बायोटिक घटक क्या होते हैं मदद करते हैं ड्यू टू हीट उससे जब हीट लगती है ठंड एंड ऑर्डर ऑफ द सन सन की हीट से थंड से एंड वाटर से एंड वाइन एंड द रेन रिस्पेक्टेड ये सब घटक उन्हें मिलते हैं द बेडरॉक ब्रेक ये जो बेडरॉक है ये ब्रेक डाउन इन टू द पीसेस ये क्या छोटे छोटे में क्या होता है उसके पीसेस में भाग होते ओके स्टोन सैंड एंड दॉइल आर फॉर्म फ्रॉम दीज पीसेस ये जो स्टोन्स हैं सैंड है सॉइल है ये इससे फॉर्म हो जाती है किसे कि जो अभी, अभी बायोटिक अजैविक जो भी घटक है हमारी सॉइल में से वो क्या होते हैं जो भी बेड रॉक है वो एकदम पक क्या है सुदृढ़ है सुदृढ़ आधार का होता है तो उस पर ये सब जो है हीट है कोल्ड है वाटर है सन है वाइन है, रेन है ये इसका सब का सबका उस उससे उसका अपक्षयन होता है ओके तो और उसके उससे क्या फॉर्म होता है स्टोन्स फॉर्म होते हैं, सैंड फॉर्म होता है ओके तो फॉर्म दिस पीसेस, ओके माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स है यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु है ना उसे माइक्रोब्स कहा जाता है और जो सूक्ष्म जीवाणु और हम क्या कह सकते हैं बच्चों सूक्ष्म कीटाणु भी कह सकते हैं ओके वर्म्स एंड इंसेक्ट ओके ये क्या जो इंसेक्ट है देम ओके रोडेंट्स यानी कि मजबूत और तेज दातों से ये कुतरने वाला जो भी क्या कह सकते हैं वो जंतु है उन्हें रोडेंट्स कहा जाता है लाइक किस तरह माइस रैट आर ऑल्सो फाउंडियर ये भी उसमें मिलते हैं द रूट ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड जो ट्रीज के रूट हैं वो क्या जमीन में क्या होते हैं ग्रो ऑल्सो हेल्प विदरिंग द रॉक तो ये क्या है जो रॉक है उसको विदरिंग के लिए भी क्या करते हैं यूजफुल रहते हैं विदरिंग यानी अपक्षयन करने के लिए ये यूजफुल रहते ये मदद करते हैं द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस ये क्या बहुत ही स्लो रहती है ओके okay? धीमे धीमे होती है और ये कंटिन्यूसली अब ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है उसका सॉइल फॉर्मेशन बाद में हो जाएगा ऐसा नहीं रहता ये क्या कंटिन्यूसली प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है बट ये चलती ही हमेशा रहती है It takes about a thousand year. देखो ये फॉर्म होने के लिए कितने दिन लगते? लगतेमीटर थी कैचुरल सॉइल टू फॉर्म इतना साइंट फाइव सेंटीमीटर थी फॉर्म होने के लिए थाउजेंड ईर बच्चों लगते हैं. तो और ये जो सॉइल फॉर्मेशन है नेचुरल प्रोसेस है पर इसके लिए इतने सारे ईयर्स हमें लगते तो हमारा भी तो कोई क्या है काम ये तो बचता है कि हम ये जो सॉइल है इसका यूरोजन ना हो इसका जो अम, क्या हम कहते हैं हम मृदा है उसका कंजर्व करना चाहिए राइट ना तो चलो देखते हैं इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन हमें पेज नंबर सेवन पर दी है तो बच्चों हमें यहाँ क्या कहा है सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉय अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड्स स्ट्रॉम एंड ह्यूमन एक्टिविटी सच एज माइनिंग ये जो सॉइल है ना ये क्या कैन बी डिस्ट्रॉय यानी कि जो भी विध्वंस तो यानी कि और, और नष्ट जो कहते हैं ना हम ये जो शॉर्ट पीरियड यानी कि फ्लॉड्स फ्लॉड्स यानी कि जो पूरा आता है ना स्टॉर्म्स यानी कि जो भी वादर है उससे वो um, उड़ जाती है ओके एंड ह्यूमन एक्टिविटी सच एज मिमिंग ओके ऐसे जो भी है ना उससे क्या होता है ये जो सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है दैट इज़ वाई इसीलिए तो इट इज़ नेसेसरी क्या गरज क्या नेसेसरी है क्या गरजे का है हमारे लिए टू कंजर्व द सॉइल इसका जतन होना यह जरूरी है एंड टू प्रिवेंट द इरोजन और ये जो भी इरोजन है यानी कि अपक्षरण कटाव ओके इसको रोकना चाहिए ओके ऑफ लैंड द बेस्ट रेमेडी द बेस्ट रिमेडी यहाँ हमें क्या है रिमेडी यानी कि उपाय हम कह सकते हैं बेस्ट उपाय क्या है इस पर फॉर दिस इंक्रीजेस द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड ये जो हमारी लैंड है इस पर ग्रीन कवर आना चाहिए जिससे ये जो सॉइल uh, का इरोजन है वो रोक सकता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं uh, जो ट्रीज है वो लगा सकते हैं इससे हमारी ग्रीन कवर आ जाएगा लैंड पर तो देखो उन्होंने क्या कहा है इरोजन ऑफ प्लांट रिड्यूस इफ ग्रास ट्रीज बसेस आर ग्रोन इन इट ये तो मैंने अभी कहा कि आप अगर ये सब करते हैं झाड़ लगाते हैं पेड़ लगाते हैं ग्रासेस लगाते है, तो इससे हमारी जो सॉइल है इसका इरोजन बहुत ही कम कम हो सकता है तो हम कर सकते हैं ओके ट्राई दिस कोशिश करो ऑपटेन स्पेसिमेंट ऑफ सॉइल स्पेसिमेंट यानी तफसील ऑफ सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस इन यूवर सराउंड बहुत जितने भी प्लेसेस हैं हमारे सराउंडिंग में उन पर सच एज यूर ओन यार्ड ओके गार्डन हिल रिवर बैंक्स फील्ड्स एंड रॉकी ग्राउंड आपको यहाँ प्लेसेस दिए वेरियस ओके तो इन पर आपको क्या करना है स्पेसम ऑफ द सॉइल आपको अगर आप इसमें पेड़ लगा सकते हो कुछ ट्रीज लगा सकते हो तो बहुत अच्छा होगा ओके नोट द डिफरेंसेज इन द स्पेसम विथ रिस्पेक्ट टू कलर फील टेक्चर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ओके अभी आपको ये सब है ना यहाँ के आपको कुछ स्पेसिमन जमा करने रहे हैं तफसले यानी कि आ, हम क्या करते हैं अगर कुछ आ, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको कलेक्ट करना है स्पेसमेंट ओके विथ रिस्पेक्ट टू उनके कलर फील टेक्चर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो आप करिएगा ओके एटलीस्ट वन टू का तो वन टू प्लेसेस में इसमें से ले आप कर सकते हो डू यू नो आपको पता है ह्यूमन ह्यूमस इज द लेर फॉर्म ऑन द दॉल ये जो ह्यूमस है ये लेयर है ओके okay? ये ह्यूमस कैसा रहता है ये हमने सीखा है पेज नंबर सिक्स पर ही सीखा है तो अभी मैं बताने वाली नहीं हूं ये कैसे फॉर्म होता है ड्यू टू द डिकॉम्पोजिशन डी ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल बाय द माइक्रोव्स ये जो प्लान डेड प्लांट है ना हमने वहाँ क्या किया था सूखा कचरा लिया था उसका डिकम्पोजेशन हमने देखा है तो ये क्या करता है डेड प्लांट एनिमल्स रहते हैं न ये माइक्रोव्स यानी कि जो सूक्ष्म कीटाणु रहते जीवाणु रहते वो क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करते ओके okay, इससे वो ये ह्यूमस लेयर फॉर्म होता है ह्यूमस सप्लाई न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल ये जो ह्यूमस है वो क्या करता है हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है ह्यूमस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एरेटिंग ऑफ द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल ओके ये जो सॉइल की जो um, क्या कह सकते हैं सॉइल में जो पानी रहता है ना वो टिकाने के लिए ये ह्यूमिडिटी मदद करता है और हम कह सकते हैं कि ये जो एयरिटिंग यानी कि जो हवा खिलती रहनी चाहिए ना जमीन में भी तो इसके लिए भी ये ह्यूमस बहुत अच्छी तरह काम करता है द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द अपर लेयर ऑफ गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट थर्टी थर्टी थ्री परसेंट टू फिफ्टी परसेंट ये जो हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं खत्ते यानी कि आपको पता है ये सब हम क्या करते हैं जो भी हमारी सॉइल है उसकी क्षमता और कुवत बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो अभी ये ह्यूमस अगर हमारी जमीन में अच्छी तरह रहता है तो वो क्या थर्टी थ्री परसेंट टू थर्टी फिफ्टी परसेंट लेयर क्या करता है फर्टिलाइजर का काम करता है ओके यूज योर ब्रेन पावर अभी आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा अगर मैंने इतनी आपको इंफॉर्मेशन दी है तो आपको यह तो पता होना चाहिए यह सब क्या है तो देखो वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सॉइल अभी मैं बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है सॉइल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट हैं कौन कौन से घटक है क्लासीफाई देम एज बायोटिक एंड अबायोटिक यानी कि जैविक और जो नेचुरली है की वो जैविक और कि अजैविक जिसमें नेचुरल नहीं है वो अब होते हैं इसका क्लासिफिकेशन आप करने वाले क्योंकि इसको मैंने होमवर्क करके लिखा है तो आपको सॉइल में कौन से कंपोनेंट हैं और क्लासीफाई कर दो बायोटिक और अबायोटिक चलेगा ओके वेरी गुड बहुत ही शार्प हो आ, तो मुझे पता है ये भी आप कर लोगे तो देखो नेक्स्ट क्या है लिविंग थिंग्स आर यूज लैंड जिसमें जान है वैसे लिविंग थिंग सजीव है ओके okay. तो ये क्या लैंड का यूज करते वॉटर एंड एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड मैन, ओके। एवर द पोर्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज डेट आर एक्चुअली पुट टू यूज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल अर्थ लुक एट द फॉलोइंग टेबल जो लैंड है वो ट्वेंटी नाइन परसेंट है वॉटर है जीरो पॉइंट थ्री परसेंट है And oxygen is 21%. Okay. Even in this small proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all living things. All living things, ke liye, again, we have a table here. sufficient. Hai. Okay. It is very necessary to man control his greed. In other words, इसके अलावा हम क्या सक क्या कर सकते हैं ही मस्ट यूज़ दिस रिसोर्सेस जुडियसली विद द अवेयरनेस दैट वेंट फॉर ऑल अदर लिविंग थिंग्स नॉट जस्ट मन का ओके तो ये जो भी सजीव है वो क्या करते हैं लैंड का यूज़ करते हैं वाटर का यूज़ करते हैं एयर ये सब हमारी अर्थ पर क्या है जो भी सजीव है उनके लिए अवेलेबल है देन एक्चुअली ये जो प्रपोर्शन है मैं दिया हुआ तीनों घटक ये लिविंग के लिए जीने के लिए इतने ही सफिशियंट हैं ओके okay? तो बच्चों देखो इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क ओके okay? क्या बताया उन्होंने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आई एम डी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज इस्टैब्लिश इन्होंने क्या बताया इन 1875 में फॉर स्टडिंग वेदर इन द इंडिया सब कंटिनेंट ओके द मेन फंक्शन ऑफ द इंस्टूडेंट इसका जो मेन फंक्शन था वो क्या था टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक द वेदर फोरकास्ट दिस इंस्टूडेंट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च इन्होंने इसके अलावा ऑब्जर्व करने के अलावा क्या क्या रिसर्च भी किया रिलेटेड क्या चेंजेस विद द वेदर ये जो मेक्स फॉर कास्ट अबाउट द रेन एंड स्टडीज डेवलपमेंट रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग ओके अपने ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके बारे में जो आपने बहुत सारा सुना है है कि तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके बारे में उन्होंने आ, रिसर्च भी किया है और ये, ये इंस्टीट्यूट आईएमडी है ना क्या करती है ऑब्जर्व करती है कि जो आ, अपक्षयन हो रहा है इसके लिए कौन कौन से घटक है कौन कौन से घटक उस पर क्या करते हैं कैसे प्र, प्रमाण है उसका इसके बारे में ये इंस्टीट्यूट क्या करता है वर्क करता है बच्चों ओके